सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नाइन्थ क्लास में रेखाओं के जो प्रश्न है वो हमारे सिर्फ तीन ही बचते हैं, बाकी हमारे कंप्लीट हो गए, प्रश्न नंबर 18, 19 और 20। तो ये हम आज करेंगे, उसके बाद हमारे कोणों के रहेंगे और फिर जब हमारे कोणों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा हाफ सिलेबस भी ज्योमेट्रिकल का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको सॉलिड ज्योमेट्री और फिर स्केल ड्राइंग कराई जाएगी। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 हमारा है, दो असमानांतर रेखाओं के बाहर बिंदु ई से रेखा खींचो जो बढ़ाए जाने पर ए बी सी डी के मिलान बिंदु पर मिले। हमने पिछले अध्याय में तीन जो रेखाओं वाले प्रश्न किए थे उसमें दो समानांतर रेखाओं के थे और एक असमानांतर रेखाओं का था, और इसमें भी हमारा जो आज है वो तीनों असमानांतर वाले हैं और ये फिर हमारा रेखाओं का सिलेबस भी आज पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें जो दिया हुआ है हम सबसे पहले वो लेते हैं। हमें दिया हुआ है ए बी और सी डी रेखाएं दी हुई है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी रेखा ले लेते हैं और ले लेते हैं हम सी डी, ये आपकी असमानांतर रेखाएं हैं। तो इस तरह से हम इसको ले लेते हैं, ये आपकी आ गई सी और डी, और इसमें हमें जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि बिंदु ई, इसमें एक हमें बिंदु ई दिया हुआ है, रेखा पर है ये जो बिंदु ई है वो रेखा से बाहर दिया हुआ है, रेखा के ऊपर है ये दिया हुआ। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं इसको, ये आपने ले लिया बिंदु ई, ये रेखा के ऊपर हमें दिया हुआ है और यहाँ से हमने जो है वो एक रेखा खींचनी है जो रेखा इन दोनों बिंदुओं के मिलान बिंदु पर आगे मिलेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज़ें हमने ले ली है, अब हमने जो है वो आगे जो कार्य करना है, अब हमने जो आपकी ए बी रेखा है इस पर हमने कोई दो पॉइंट लेने हैं, यहाँ हम ले लेते हैं एच और यहाँ हम ले लेते हैं जी, और हमने ये एफ हमारा आएगा, ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये आपका आएगा एफ, और हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जी। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एफ और ई को जो है वो डॉटेड आपस में मिला देना, इस तरह से हमने मिला दिया। अब हमने क्या करना है, जी और ई को भी हमने डॉटेड मिला देना है, इसी तरह से हमने एफ और जी को भी हमने मिला देना है। अब हमने क्या करना है, यहां से ये जो आपका ई और एफ रेखा है इसी के समानांतर आपने रेखा खींचनी है एच से, ये देखिए एच से हम रेखा खींचेंगे, इस तरह से हमने रेखा खींच दी है, ये रेखा जो है इसके समानांतर है। अभी हम इसमें कोई नाम नहीं देते क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं आया है। अब हमने क्या करना है, ई और जी, ये जो आपकी रेखा है हम पहले ये ले लेते हैं, एफ और जी रेखा हम जो है वो लेते हैं और यहाँ से हम एच तक लाइन ले लेंगे, ये हमारा एच पॉइंट है, यहाँ तक हम रेखा ले लेते हैं, ये हमारी आई है, ये जो रेखा ये वो जी एफ के बराबर है, एच से हमने ली है, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं एल। अब हमने क्या करना है, ई और जी, ई और जी के समानांतर हमने रेखा खींचनी है एल तक, ये हमारा एल आ गया है। अब हमने जो है इसको इस तरह से मिला देना और जो ये आपका पॉइंट आ रहा है ये हमारा पॉइंट आ जाएगा जे, जे आएगा, अब हमने जे और ए को जो है वो ई को जो है वो मिला देना है इस तरह, ये हमारा डार्क मिलेगा, ये देखिए। अगला आपका है प्रश्न नंबर 19, दो असमानांतर रेखाओं ए बी सी डी के बाहर बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो ए बी सी डी के साथ मिले और समान कोण बनाए। तो आपको दो रेखाएं दी हुई है, एक आपके पास दी हुई है ए बी, मैं ले लेता हूं यहां पे, ये आपको ए बी रेखा दी हुई है,
एक रेखा आपको दी हुई है सी और डी, ये हमने इस तरह से एक रेखा लेनी है यहाँ पे, इस तरह से हम ये रेखा ले लेंगे सी और डी। और ये कह रहा है कि इसके बाहर एक बिंदु दिया हुआ है ई, और एक बाहर बिंदु आपका है ई दिया हुआ है। यहां से हमने ऐसी रेखा खींचनी है ए बी और सी डी पे कि जब ये रेखा आगे बढ़कर कि यहाँ ए बी सी डी पे मिलेगी तो जो यहाँ कोण बन रहा होगा वही कोण आपका यहाँ भी बनना चाहिए। हम सबसे पहले जो है ए बी रेखा पर एक पॉइंट ले लेते हैं। वो पॉइंट हमारा कैसे आएगा, हमने सी और डी को आगे बढ़ा देना है, डॉटेड बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ा देंगे डॉटेड, और ये पॉइंट हम जो लेना है हमारा वो आएगा जी, ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहां जो आपका कोण बन रहा है, ये जो आपका कोण बन रहा है ये मैं आपको बता देता हूं कैसे ये बनेगा। ये आपका कोण बन रहा है, इसका हमने आधा करना है, समधि भाजन हम करेंगे। तो हम थोड़ी प्रकार यहाँ पे खोल देते हैं, हमारा कोण ये बड़ा है इसलिए हमें यहाँ पे इतनी प्रकार खोलनी है जितनी हमने इधर चाप लगाई है, और हम इसको ऐसे यहाँ से ऐसे इसको काट देंगे और हम इसको ऐसे मिला देंगे। और जो ये आपकी लाइन आ रही है इस लाइन का हम नाम दे देते हैं आई, आई नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो आपका पॉइंट है इसको है जी, और ये आपका पॉइंट है आई, ये जो लाइन है इसी के समानांतर हमने रेखा खींचनी है ई से एस। अब देखिए यहाँ से मैं रेखा खींच रहा हूँ, ये जो मैंने रेखा खींची है ये आपकी रेखा है आई और ई। तो यहाँ जो कोण है जब इसी के समानांतर रेखा है तो जो कोण आपका यहाँ बन रहा है वही कोण आपका यहाँ बनेगा। यदि आप देखना चाहे तो आप देख भी सकते हैं, ये आपने यहाँ प्रकार खोल के लगा दिए चाप, देखिए जितना आपकी दूरी ये है ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी दूरी है ये देखिए वही दूरी आपकी यहाँ पे है, ये देखिए बिल्कुल आपका इक्वल है, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए इतनी आपकी आ गई है। अब इसका हम नाम दे देते हैं यहाँ पे H, और यहाँ नाम दे देते हैं F, और ये आपका जो है प्रश्न नंबर 19 जो है वो बनके तैयार हो गया है और आपको ये स्क्रीन में भी दिख रहा है। इसमें आपका अगला है प्रश्न नंबर 20, दो असमानांतर रेखाओं ए बी और सी डी के बीच बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो दोनों रेखाओं को छुएं और ई से समान दूरी पर हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। सबसे पहले हम ए बी रेखा लेंगे, ये रेखा हमने काफ़ी हल्की लेनी है क्योंकि दी हुई रेखा है, और एक रेखा हमारी है सी और डी रेखा है, ये असमानांतर रेखाएं हैं, ये आपकी हैं सी और डी। ये क्या कह रहा है कि इनके बीच में एक पॉइंट दिया हुआ है ई, यहाँ से आपने ऐसी रेखा खींचनी है जो दोनों रेखाओं के बराबर हो। तो आपने कैसे क्या करना है, सबसे पहले हम ई से लंब गिराएंगे यहाँ पे, ऐसे हम चाप लगा देंगे, लंब गिराने मैंने आपको बताए थे, और यहाँ प्रकार रखेंगे जहाँ ये एबी रेखा को काट रहा है नीचे को चाप लगा देंगे, इसी तरह से यहाँ प्रकार रखेंगे और इधर चाप लगा देंगे, और हम ई से इस चाप को मिला देंगे। इस चाप का हम नाम दे देते हैं एच, ये एच पॉइंट है, एच से हम ई को मिला देंगे डॉटेड, और आपने यहाँ से ये जो पॉइंट आपका आ रहा है इसका नाम मैं दे देता हूँ ओ, आपने ओ से ई जितनी प्रकार खोली, ये देखिए इतनी प्रकार खोल के आपने ई से यहाँ
एफ काट देना है एस, ये आपका ई से एफ है। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एफ। यहां से आपने 90 डिग्री की रेखा लगानी है। अगर आपको समांतर रेखा लेनी आती है तो आपने क्या करना है, यहां पे ए बी आपने रख दिया है और आप इसी से समांतर रेखा ऊपर खींच सकते हैं ऐसे ऐसे, यहां पे सीधी रेखा यहां पे डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, या फिर आप इस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं जहां ये रेखा इधर सीधी रेखा को काट रही है, ये पॉइंट आपका आता है जी। आपने क्या करना है, जी और ई को मिलाना है पहले, और डार्क मिलाना है बिल्कुल, इसी को आगे बढ़ा देना। तो ये जो दूरी आई ई से जी, वही दूरी इधर है, ये इधर आ गया आई। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो दूरी है, ये देखिए बिल्कुल इतनी, ये देखिए, यही इसमें पूछा गया था कि ऐसा पॉइंट लगाइए जो रेखा बीच से लगेगी वो दोनों रेखाओं को छुएगी और बिल्कुल बराबर छुएगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20 है और आज हमारा 9th क्लास का रेखाओं का जो सिलेबस है वो पूरा हो गया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोणों के बारे में, तो आपने कोणों की परिभाषाएं, कोणों की जितनी परिभाषाएं वो सारी आपने लर्न करनी है ताकि आपको प्रश्न बनाते समय कोई समस्या ना हो।